आप आराम से कहीं खड़े हो और कोई बंदर आकर आपको इसलिए दौड़ा ले क्योंकि आप उसकी जमीन पर खड़े हो। उसकी जमीन माने वो जमीन जो उसके नाम पर है। क्या बंदर के नाम भी कोई जमीन हो सकती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के एक गांव की 32 एकड़ जमीन बंदरों के नाम है। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के उपला गांव में बंदरों को गजब की इज्जत दी जाती है, वैसे जैसे कि घर आए मेहमानों को दी जाती है। कोई बंदर घूमता टहलता घर आ जाता है तो फौरन उसे खाना दे दिया जाता है, कभी उन्हें खाने के लिए मना नहीं किया जाता। यहाँ बंदरों के ठाट का आलम यह है कि शादियां तक में उन्हें इंसानों से पहले खाना परोसा जाता है और कभी कभी तो शादी का प्रोग्राम शुरू करने से पहले उनका सम्मान भी किया जाता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है उपला ग्राम पंचायत के भूमि अभिलेखों के अनुसार 32 एकड़ जमीन गांव के रहने वाले सभी बंदरों के नाम पर दर्ज है। गांव के सरपंच बप्पा पड़वाल का कहना है दस्तावेज में साफ तौर पर उल्लेख है कि ये जमीन बंदरों की है। हालांकि जानवरों के लिए यह प्रावधान किसने और कब किया इसकी कोई खास जानकारी तो नहीं है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? भारतीय कानून तो ये कहता है किसी भी जानवर के नाम पर ना ही ट्रस्ट बनाना संभव है ना ही संपत्ति नाम करना। भारत में पालतू जानवरों को निजी संपत्ति माना जाता है और संपत्ति का एक हिस्सा दूसरी संपत्ति का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन उपला गांव के लोगों में मन में बंदरों की अनोखी श्रद्धा है। पहले यहाँ बंदरों से जुड़े तरह तरह के अनुष्ठान भी किए जाते थे। बंदरों के लिए गांव वालों के इस प्यार और सम्मान की शुरुआत कहां से हुई इसकी तो कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन अब गांव वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि धीरे धीरे वहां बंदरों की संख्या कम होती जा रही है। अब वहां बस करीब 100 बंदर ही बचे हैं। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।